दोस्तों, मैं राज शर्मा स्किल्स ऑटोमोबाइल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खुशल मंगल होगा। सो, आज हम जिस कार पर काम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन इशू है। एज ए कार ऑनर कभी ना कभी हमने वो इशू फेस किया है। जैसा कि हमारी सोसाइटी में कोई पेंटिंग का काम चल रहा है, वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है, उस केस में क्या है कि हमारी कार नीचे पार्क है और वो जो पेंटिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके जो डॉट्स हैं, जो ड्रॉप्स हैं, वो पूरी कार के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड, यू नो। और वो इतना हॉरिबल दिखता है कि मतलब कार का कलर ही चेंज हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि हम ऑफकोर्स पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अभी क्या करें। एंड जब भी हम किसी डिटेलिंग वाले के पास जाते हैं उस केस को लेकर, तो ऑफकोर्स वो इतना डरावना होता है कि वो भी, जो डिटेलिंग वाला है, वो भी कह देता है कि सर इसमें टाइम लगेगा और पैसा भी अच्छा खासा लगेगा। कभी कभी तो कुछ कस्टमर्स ने मुझे बताया, उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये पे किए फॉर द सेम थिंग। लेकिन कितना अच्छा हुआ कि अगर वो जो पैसे हैं आप बचा लें, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाट इज़ द DIY इन दिस मैटर, आप खुद क्या कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्रेंकली स्पीकिंग क्विकली। जस्ट फॉर द नॉलेज, ये जो डिटेलिंग मैं बता रहा हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से करना है। मतलब जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना, तब करना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये काम टाइम कंज्यूमिंग काम है। एंड बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। एंड मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए, एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। सो सपोर्ट मी विद सब्सक्रिप्शन, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वीडियो शुरू करते हैं। ये गाड़ी है i20 और आप लोग देख सकते हैं वाइट स्पॉट्स कितने सारे इस गाड़ी पर आ गए हैं। ये रेड कलर की कार है एंड पूरी कार पे ये वाइट स्पॉट्स आ चुके हैं। ये देखिए, पूरी गाड़ी पर आ गए हैं ये वाइट स्पॉट्स सारे ग्लासेस पर। ये एक्चुअली जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आप देखिए ये वाइट स्पॉट्स आ गए हैं पूरी गाड़ी पर, ये देखिए। इसे रिजॉल्व कैसे करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग आप इसे खुद अपने आप रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसे पॉलिश के लिए दे दें। एंड पूरी गाड़ी जब पॉलिश होती है तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट जाता है अराउंड 3-3.5 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये, डिपेंड। तो ये जो है ये पूरे दरवाज़ों पर, पूरी जगह पर है, ये देखिए बोनट पर भी है काफ़ी सारा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको खुद ही रिजॉल्व कर लें। लकीली इस साइड पर वो स्पॉट्स नहीं आए, वो सिर्फ राइट साइड में स्पॉट्स आए, इस तरफ ये बिल्कुल सही है। एंड फिलहाल के लिए अभी इसके ऊपर क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए पानी एंड आपको इस टाइप के सैंड पेपर्स चाहिए 2000 नंबर के। मैं ये पुराना सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ जो कि 1000 नंबर का है, लेकिन ये 1000 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं 1000 यूज़ कर रहा हूँ, आपको 2000 क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये फ्रेश नहीं है, ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यूज्ड है। अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी यूज़ किया हुआ अगर आपके पास पड़ा है तो आप 1000 नंबर का यूज़ कीजिए। अगर आज फ्रेश सैंड पेपर यूज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ 2000 का ही यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, पेंट निकल जाएगा। एंड उसके बाद जो आपको करना है, आई विल शो यू, आपको ये जो पेपर है जहाँ पर भी आपको ये वाइट स्पॉट्स निकालने, जैसे ये है, ये देखिए ये वाइट स्पॉट्स है, इसको पहले थोड़ा सा गीला कर लें ये ऐसे, उसके बाद हल्के हाथ से इसको रब करें, ये देखिए आपके सामने, ये देख रहे हैं, ये देखिए निकल गया। हल्के हाथ से आपको इसको रब करना है,
बहुत ज़्यादा टाइट रब मत करना वरना पेंट निकल जाएगा। हल्के हाथ से इसका रब करना है एंड बीच बीच में पानी ज़रूर डालते रहें इसमें। ये देखिए, सो जिस तरीके से ये है, मैंने यहाँ पर भी जितना था, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्पॉट्स यहाँ थे इसके ऊपर भी थे, मैंने इसके ऊपर जस्ट अभी पेपर मारा है। ये देखिए, ये पूरे इस पूरे पैनल के ऊपर था, ये देखिए। सो अभी कैसा है कि ये पेपर मारने के बाद हमें इसके ऊपर रबिंग मारनी है, और रबिंग के लिए पॉलिश मशीन आती है। अगर आपके पास पॉलिश मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉलिश मशीन ना हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले लेना, एंड माइक्रो फाइबर क्लॉथ एंड रबिंग, आपको रबिंग को इसके ऊपर अप्लाई करना है। एंड क्योंकि क्या है ना, पेपर मारने के बाद जब ये सूखेगा तो ये थोड़ा वाइटिश हो जाएगा, शाइन नहीं करेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जैसे जैसे ड्राई होता रहेगा ये ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, शाइनिंग नहीं लगेगी बिल्कुल भी। सो शाइनिंग को वापस लेकर आने के लिए आपको रबिंग लेना है, और अगर आपके पास मशीन है तो वेल गुड, एंड अगर रबिंग मशीन नहीं है आपके पास पॉलिश मशीन, तो आप रबिंग लगा कर एंड फिर आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ से आपको इसको रब करना पड़ेगा लाइक दैट, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, ये है DIY, आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं। डू इट योर सेल्फ, सेव मनी एज मच एज यू कैन। सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे, एंड मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट पर रिप्लाई करने की। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसके भी मैं ज़रूर जवाब दूँगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं वीडियोस बनाता हूँ अलग से टाइम निकाल कर सिर्फ आप लोगों के लिए, एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड ये गुड इन्फॉर्मेशन है। एंड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। सो उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं वीडियो को। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो इशू है ये बहुत कॉमन इशू है। बिल्डिंग में कहीं पेंट का काम चल रहा है और हमारी गाड़ी की बैंड बज जाती है। सो कोई भी इस सिचुएशन में आ सकता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि इसे रिजॉल्व कैसे करना है तो आप लोग काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। जय हिंद।